हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़। स्वागत है मेरे चैनल आईटी परवेज पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप ट्वेल्थ में पढ़ाई करते हैं तो इस बार 2020 में ट्वेल्थ का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। कई सारे लोग ऑफिशियल साइट पर जा रहे हैं, वहाँ पर डाउनलोड करने जा रहे हैं तो वहाँ पर उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो कई सारे स्टूडेंट जो है वो थोड़ी टेंशन में आ गए हैं कि अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सब कुछ इसी वीडियो में बताएंगे और भी इम्पोर्टेंस बात बताएंगे, तो यहाँ पे आपको इस ऑडियो को ध्यान से सुनना होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, बिहार बोर्ड ने ट्वेल्थ का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे इस पेपर को पढ़ पा रहे हैं, ये पेपर कुछ दिन पहले का है और ये आपका एडमिट कार्ड जो ट्वेल्थ का है वो अपलोड कर दिया गया है इंटरनेट पे। लेकिन इसको डाउनलोड करना कैसे है सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो बिहार बोर्ड ट्वेल्थ 2020 का एडमिट कार्ड आज जारी होंगे, मतलब कि ये कुछ दिन पहले का न्यूज़ है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 का आयोजन 3 फरवरी से 13 फरवरी के बीच आयोजित किया गया है, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। तो इसको डाउनलोड बीएसईबी इंटर एजुकेशन साइट पर जाकर इसको डाउनलोड करना है। तो इस साइट पर जाते हैं तो आपको होता है क्या कि वहाँ पे आपको डाउनलोड नहीं हो पाता है। उसके बाद दोस्तों और बताते हैं आप आगे आप लोगों को, वहाँ पर जाकर आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकेंगे। सभी स्कूल के प्रधान इस bsebinter.education.in पर जाकर अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। इसके बाद वह अपने स्कूल के स्टूडेंट को हस्ताक्षर व मुहर के साथ एडमिट कार्ड देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि अब तक आपने कई सारे वीडियो देखे गए हैं, लेकिन वहाँ पे आपको सच बातें नहीं बताई गई होंगी। वहाँ पे सिर्फ आपको बताया गया कि यहाँ पे साइट पे जाएं और यहाँ पे से डाउनलोड कर लें, लेकिन जो मेन पॉइंट होता है वो आपको नहीं बताई गई होंगी। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक बात अच्छे से बताऊँगा, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपको एडमिट कार्ड लेनी है तो बिहार बोर्ड ने खुद ही कहा है कि जो भी स्टूडेंट का कोई भी शुल्क बाकी है तो उसको एग्ज़ाम से पहले जमा करा दें, नहीं तो आपकी एडमिट कार्ड या फिर आपके रिजल्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है आपको एडमिट कार्ड मिल जाए और आप एग्ज़ाम में भी बैठे दिया जाए और आपको हो सकता है कि रिज़ल्ट नहीं आए या फिर आपकी रिजल्ट को स्थगित कर दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो इससे पहले आपके जो भी शुल्क बाकी है आपके स्कूल में उसको सबसे पहले आपको जमा करवा लेने हैं एग्ज़ाम से पहले। 3 फरवरी से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली ट्वेल्थ की और आज से 16 दिन और बाकी हैं। तो अभी तक आपने अपना शुल्क जमा नहीं कराया तो इसको जमा करवा लीजिए, क्योंकि ये बिहार बोर्ड खुद कह रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अब चलते हैं डाउनलोड के लिए। तो पहले डाउनलोड पर जाके आपको सबसे पहले बता देते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे एक ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं बीएसईबी इंटर एजुकेशन, तो आपको कई सारे वीडियो में बताएंगे गए होंगे कि यहाँ पे आपको 4 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एनुअल 2020 पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। लेकिन यहां पे मेन पॉइंट आपको नहीं बताया गया होगा जिसके कारण कई सारे लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। दोस्तों ये जो एक ऐसा साइट है जहां पे आपके स्कूल को एक यूज़र आईडी और पासवर्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जहाँ पर उनकी गवर्नमेंट स्कूल है या फिर कॉलेज है, उन्हीं लोगों को ये यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाता है जिसके माध्यम से वो लॉगिन करते हैं और आपकी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद वो आप कि एडमिट कार्ड पे साइन करते हैं और वो अपने स्कूल की मोहर उस पर मारते हैं, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड मिलता है। लेकिन कई सारे लोग बता रहे हैं कि आप इस साइट पे जाइए और वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस गलती में मत पड़िएगा। यहाँ से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने वाला है, इसके लिए आपको अपने कॉलेज में जाना पड़ेगा और वहाँ अपने टीचर से लेना पड़ेगा। और एडमिट कार्ड की तारीख बता दें तो वो 20 तारीख के बाद आपके कॉलेज में एडमिट कार्ड आपका जारी हो जाएगा। तो आप 20 तारीख के बाद अपने कॉलेज जाएँ और वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं अपने टीचर से। तो कई सारे वीडियो देखे होंगे लेकिन आपको वहाँ पे मेन पॉइंट नहीं बताया गया होगा, वहाँ पे सिर्फ डाउनलोड करने के लिए बताया गया होगा, तो वो सिर्फ प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया होगा जो कि खत्म हो चुका है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप बेहिचक मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में जितने भी आपके ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर देना, और मैं चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता ही रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।